हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि पहाड़ी लोग बच्चों की मारे दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। एक तरीका मैंने आप पहली वीडियो में किया था, आज हम दूसरे तरीके से करेंगे। उसके लिए मैं ले जा रही हूँ एक गेहूं का आटा। ये गेहूं का मैंने लोई बना ली थी, ऐसे ही लोई बनाते हैं। थोड़ा आटा टाइट होना चाहिए। और ये कल की तरह इसमें है सरसों का तेल और यह मडवे का आटा। आप इसे मैं लेके जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि बेबी ऊपर, बेबी को ले जा चुकी है बुआ, तो अब मैं भी जा रही हूँ ऊपर, तो ऊपर ही मालिश करेंगे बेबी को। मैं ले जा रही हूँ बेबी के कपड़े, बेबी का पाउडर और बेबी का सामान। ये देखो हमारे घर से भी बहुत ही अच्छा व्यू है ना। मैं जा रही हूँ ऊपर को। अब मैं आ गई हूँ छत में। जैसा कि आप देख सकते हैं, बुआ पहले ही बाबू को ले आई थी ऊपर धूप सिखाने के लिए। बुआ ने कम से कम 5-10 मिनट धूप सिखा दी है। अब हम इसको मालिश करेंगे। ये देखिए व्यू, सुबह इतनी तेज बारिश हुई थी, लग नहीं रहा है कि बारिश हुई होगी। ये बुआ उतार रही है बेबी के कपड़े। बुआ ने अब स्टार्ट कर दी है मालिश। पहले सूर्य देवता को बुआ चढ़ा रही है तेल, उसके बाद काशवी को लगा रही है। हम पहाड़ी लोग होते हैं, वो बेबी को तेल जो है पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही लगाते हैं। ये है गेहूं के आटे की लोई जो मैं बना के लाई थी। ये आज थोड़ा गीला हो गया था आटा, थोड़ा वैसे टाइट करते हैं थोड़ा हल्का, जैसे मालिश अच्छी होती है तो आज थोड़ा टाइट हो गया था। पहले लोई को तेल में डुबो रही है बुआ, फिर उसमें मडवे का आटा लगा रही है, फिर उससे मालिश कर रही है बुआ। और इंटरेस्टिंग बात एक ये भी है हमारे पहाड़ियों की, अगर हम बेबी की मालिश करते हैं तो हमारे सर में कपड़ा ज़रूर होना चाहिए। हमारे वहाँ मानते हैं कि अगर बाहर मालिश कर रहे हैं बेबी की तो सर में कपड़ा रखना चाहिए, अदरवाइज जो है इधर उधर का डर रहता है बेबी के साथ। तो ये हो रही है काशवी की मालिश। ऐसे ये लोई जब स्टार्टिंग में पहले पहले बोलते हैं कि अगर बेबी जब होता है तो उसकी नैनी हाल की जो है नानी ही पहले लगाती है उसे। तो मेरी मम्मी ने तो नहीं लगाया था, लेकिन मेरी नैनी हाल की नानी ने लगाया था मेरी काशवी को पहली बार। ये काशवी को लग रही है मालिश, इसे अच्छी होती है बहुत। और लेकिन इसे अगर गेहूं के आटे से मालिश करते हैं तो ये 2 या 3 मंथ ही करते हैं, जब तक बेबी के शरीर पर रेडनेस सी होती है, इससे इजीली निकल जाता है, तो इसे ही यूज़ करते हैं हम लोग। आप भी ट्राई कर सकते हैं। और लुट्टी जिस दिन लगाते हैं इसे, हम लुट्टी कहते हैं पहाड़ी में, जिस दिन बेबी को लुट्टी लगाना होता है उस दिन नहलाने नहीं होता है, जिस दिन नहलाना होता है उस दिन लुट्टी नहीं लगती है, क्योंकि बेबी नहाता भी है फिर हम गेहूं के आटे से लुट्टी भी लगाते हैं तो बेबी को ठंडा हो जाता है। अब ये आँख पे भी अभी इसकी रेडनेस बची है, तो मैं बता रही थी बुआ को कि थोड़ा आँख पे भी मल लें। पूरा तेल लगा के, मडवे का आटा लगा के बहुत अच्छे तरीके से इसमें बेबी को ऐसा लगता है जैसे नहला रखा हो। पूरी सफाई भी हो जाती है, मालिश भी हो जाती है। ये हाथ हम साफ कर रही है बुआ। ये हमारे यहाँ की मालिश करते हुए एक्सरसाइज। और इसमें रोज अगर मालिश होती है तो रोज बेबी को दुआ भी मिलती है इसमें। धरती के बराबर चौड़ा हो जाना, आकाश के बराबर लंबा हो जाना, ऐसे कुछ बोलती हैं बुआ। ये पीछे बैक मसाज हो रही है काशवी की अब, और काशवी जो है बैक मसाज इंजॉय कर रही है। काशवी क्या कोई भी बेबी हो, सभी बैक मसाज इंजॉय करते हैं, पता नहीं उन्हें क्यों अच्छा लगता है बैक साइड को। और धूप थोड़ा तेज हो गई थी इसलिए थोड़ा बेबी को धूप भी लग रही थी काशवी को, तो रो भी रही थी। वैसे अगर आप बेबी की मालिश करें
ये अभी हो गई है 2.5 महीने की, इसलिए हम थोड़ा टाइट से मसाज कर रहे हैं, वरना बेबी अगर 1 महीना का है तो इतना टाइट से मसाज मत कीजिएगा। बेबी 2-3 महीने का हो जाए उसके बाद हम थोड़ा टाइट से मसाज कर सकते हैं, टाइट हाथों से। ये कासवे की मालिश होने के बाद तो उसको लग रहा है पाउडर। अब हम इसे गर्मियों में पाउडर ही यूज़ करेंगे। ये है जिसे हमने कासवे की मालिश की थी, आटा। अब मैं इसे इस पे दरवाजे पे लगा दूंगी, गेट पे, क्योंकि यह ऐसे ऐसे नहीं फेंकते हैं, तो मैं गेट पे लगा दूंगी। उसके बाद कौवे चिड़िया जो भी आएगा उसे खा लेगा। ये पहले हमने यहाँ पे, आप देख सकते होंगे, पहले की लुट्टी की यहाँ पे लगाया हुआ है। अब बुआ पहना रही है काशवी को कपड़े, मालिश हो चुकी है पूरी काशवी की। यहाँ पे माचिस भी है, हम बेबी को जहाँ भी ले आते हैं माचिस ज़रूर होनी चाहिए साथ में। जो लोग पहाड़ी होंगे उन्हें पता होगा। ये मेरा बेबी, अब उसको लग रहा है काजल का टीका। काजल का टीका लग गया है, काजल के ऊपर पाउडर, जिससे कि काजल फैलेगा नहीं, नहीं तो पैर फैल जाएगा, तो ये पूरा लगा देगी अपने चेहरे पे। अब बुआ मालिश करके बुआ ले जा रही है बेबी को नीचे। अब मैं भी नीचे जाऊंगी सामान लेके। ये गाइस, काशवी नीचे आने के बाद तुरंत सो गई है। जैसे ही इसकी मालिश होती है ये नीचे आती है, उसके बाद ये तुरंत सो जाती है। अब ये 2 घंटे सोएगी, उसके बाद उठ जाएगी। तो कैसी लगी आपको हम पहाड़ियों की दूसरी मालिश? पहली मालिश मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था, ये थी गेहूं के आटे से दूसरी मालिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ये, तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में भी ये शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। एंड मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब के लिए बाय, सी यू।